आए खुदावन अपना कान झुका और मुझे जवाब दे क्योंकि मैं मिसकीन और मोहताज हूं मेरी जान की हिफाजत कर क्योंकि मैं दीनदार हूं आए मेरे खुदा अपने बंदे को जिसका तवक्ल तुझ पर है बचा ले या रब मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता हूं अब अपने बंदे की जान को शाद कर दे क्योंकि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूं इसलिए कि तू अब नेक और माफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है खुदाबंद मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा क्योंकि तू मुझे जवाब देगा यार अब माबूदों में तुझता कोई नहीं और तेरी सनतें बेमिसाल हैं यार सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हुजूर से करेंगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब और गरीब काम करता है तू ही वाहिद खुदा है राय खुदाबंद मुझको अपनी राह की तालीम दे मैं तेरी रास्ती में चलूंगा मेरे दिल को यसूई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं, यार अब मेरे खुदा में पूरे दिल से तेरी तारीफ करूंगा मैं अब तक तेरे नाम की तमजीद करूंगा क्योंकि मुझ पर तेरी बड़ी शफकत है और तूने मेरी जान को पाताल की तह से निकाला है खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ इस तौफीक के लिए जो उसने मुझे दी मौका दिया है आप सबके साथ मिलकर खुदा की बढ़ाई कर सकता हूँ तमजीद कर सकता हूँ शुक्र कर सकता हूँ खुदा के कलाम की कुछ बातें पढ़कर आपके साथ मिलकर उन पर ध्यान कर सकता हूं खुदा का शुक्र हो आपने से बहुत हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं और तो आपको बड़ी बरकत दे आपकी दुआओं की ये बरकत है दुआओं का जवाब है कि आज फिर मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की कुछ बातें पढ़ूंगा जिक्र करूंगा मैं सीख रहा हूं खुदा करे जो सबक आज हमारे लिए है वो हमारी जिंदगी के लिए कुत और ताकत बन जाए दिल के कान से सुनिए शुक्रगुजारी के साथ सुनिए बड़ी उम्मीद और यकीन के साथ खुदा का कलाम सुनिए खुदा आपको बरकत देने जा रहा है आज बहुत सलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों खुद उनके प्यारों मशवरा दे सकता हूँ आपको कि आप ये जो ज़बूर मैंने पढ़ा है छियासी जबूर इसे ज़रूर पढ़िए मालूम नहीं कौन भाई है कौन बहन है जो जिंदगी के सफ़र में मुश्किल हालात में से गुजर रहा है परेशानी है ऐसा लगता है जैसे किसी तह में जा गिर रहे हैं निकलना मुश्किल हो रहा है कोई मददगार नहीं है ऐसा लगता है जैसे खुदा भूल गया है ये जबूर बड़ा प्यारा जबूर है इसमें आप ये देखेंगे कि एक खुदा का बंदा है ईमानदार है लेकिन मजबूर और लाचार होकर खुदा से कहता है खुदा मुझे इस गढ़े में से इस तह में से निकाल मदद कर मेरी <laughs> गिड़गिड़ा रहा है खुदा के और उसके बाद हम देखते हैं किस तरह उसका ईमान मजबूत रहता है और फिर वो जो गिड़गिड़ा रहा है ऐसा लगता है कि उसकी उसका रू रुआ रुआ गा रहा है और खुदा उनकी तमजीद कर रहा है कहता उसने मुझे गड़े में से निकाल लिया उसने मुझे तसली दी है एक जगह कहता है तूने मुझे गड़े में से निकाली मुझ पर तेरी बड़ी शफ़कत है तूने मेरी जान को पाताल की से निकाला है पाताल की तह में से निकाल लिया है खुदा करे आप ये तो मेरी गवाही है और कोई भाई कोई बहन पढ़े इसे क्योंकि खुदा के कलाम में से कुछ और बातें जो मैं याद दिलाऊंगा आपको शायद पहली दफा सुनेंगे शायद इस तरीके से पहली दफा कलाम के इस हिस्से पर आप गौर करेंगे ध्यान करेंगे जो कुछ भी हो खुदा आज हमें बरकत देगा हमें हिम्मत देगा ताकत देगा तसली देगा कुछ सिखाएगा कुछ जाहिर करेगा हम पर ये सच है क्योंकि जब हम उसके कभी बादशाहों के यहां से खाली हाथ नहीं जाया करते थे लोग देते थे जरूर कुछ ना कुछ बादशाह के यहाँ से आया क्या लेके आया <laughs> आप भी कहेंगे आज मैंने खुदा का कलाम सुना मुझे ये मिला मुझे ये समझ में आ गया ये बात दिल में उतर आई खुदा करे ऐसा ही हो खुदा के कलाम में से मैं एक हिस्सा आपके सामने पढूंगा और आप देखेंगे कि उस उस हिस्से को उस पर ध्यान करने से कुछ सवालात पैदा होते हैं मेरे दिल में तो वो सवालात पैदा हुए आपके दिल में भी शायद वो सवाल पैदा होंगे मैं ये तो नहीं कहता कि हम खुदा की हर बात को समझ सकते कौन पूरे तौर पर समझ सकता है कौन समझा सकता है बारिश होती है सारा पानी तो कोई भी नहीं इकट्ठा कर सकता लेकिन तो जितना बड़ा बर्तन होता है अगर उसका मुंह ऊपर की तरफ तो हो खुला हो ऊपर की तरफ को हो मुंह तो पानी उसमें आ जाता है जितनी उसकी जरूरत हो ऐसे ही होगा तो देखते हैं मैं पढ़ता हूं यह हिस्सा है मरकज इंजील का आठवां बाब है और ये हमारे आ जाएंगे आपके सामने लेकिन अच्छा है अगर आपके पास बाइबल है तो आप खुद इसको पढ़ना बहुत बरकत आपको खुदा देगा इस हिस्से में बहुत सबक हैं जो मेरे लिए हैं खुदा करे मेरी जहन खुल जाए मेरा दिल खुल जाए तेरे बंधन खुल जाए आजाद होकर मैं खुदा कहू बड़ी आजादी से मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता बड़ी खुशी से मैं तेरा हुक्म मानने के लिए तैयार हूं काश के आप भी ऐसा ही करें फिर देखना माला माल कर देगा आपको आप हैरान रह जाएंगे ये हुआ कैसे ये हुआ कैसे उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है सुनिए ये है जब हिस्सा मरकज किजील का आठवां बाब है खुदा जीसो मसीह के शागिर्द उसके साथ साथ रहते थे बारह थे और भी बहुत सारे लोग शामिल हो जाते थे तो एक जगह से दूसरी जगह एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते थे खिदमत करते रहते थे और खुदांद उनको सिखा रहा था दिखा रहा था करके दिखा रहा था और फिर सुना रहा था और सिखा रहा था याद दिला रहा तो उनकी तरबियत तालीम और तरबियत हो रही थी वो उस्ताद है उनको बाद में पता लगा कि ये कौन है। ऐसे ही आस्ता आस्ता पता लग जाता कि खुदाम येसु हैं कौन सुनिए है सुनिए फिर वो पैतशैदा में आए हम येसु मसीह और शागिर्द शागिदा में आए इस जगह का नाम है और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है उसने नजर उठाकर कहा मैं आदमियों को देखता हूं वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया सब चीजें साफ साफ देखने लगा फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा इस गांव के अंदर कदम भी न रखना आपने सुना गौर से मेरे ख्याल में जब आप खुद पढ़ेंगे तो सवाल ये पैदा होंगे पहला सवाल ये पैदा होता गांव से बाहर क्यों ले गया उसे एक तो मैं सोच रहा था कि ये ईमान लोगों का है का नहीं है उसे उस तो बेचारे को कुछ भी नहीं मालूम लोग लेके आए थे उसे वो नहीं आया था आता भी बेचारा कैसे लेकिन लोगों ने सुना होगा तो लेके आए हैं कि ये आदमी यहां भीख मांगता देखते हैं। कि ये गुरु आया है ये क्या करता है इसके लिए वो उनका ईमान था वो लेके आए थे उसे ये मसीह के पास ये लिखा हुआ है लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत करके कहा कि उसे छुए ये लोग लेके आए और लोगों की दुआ है हुजूर इसमें बड़ा भारी सबक है जब किसी मरीज को खुदा के पास लेके आते हैं आज भी तो मरीज का ईमान हो ना हो ये लोगों का ईमान होता है जो लेके आते हैं बहुत जरूरी है क्या हम अपने अजीजों को अगर किसी वजह से खुदा उनके पास लाते हैं दुआ के लिए शिफा के लिए उसके जूर तो हमारा ईमान होना चाहिए हमारे ईमान को देख कर खुदा मजबूर और लाचार पर रहम करता है मोजात होते हैं जिंदगी में आज भी होते होते, होते रहेंगे लेकिन ईमान होना चाहिए मिन्नत करने वाले लोग हैं कैसे मुबारक वो लोग हैं जो किसी दूसरे के लिए मिन्नत करें है? बहुत प्यारी वरना हम अपने लिए करते हैं। ये लोग हैं जो एक बेचारे मजबूर को लेके आए उसकी तरफ से मिन्नत कर रहे हैं देखा कितना प्यारा सबाक है ये हम लोग दुआ अपने लिए करते हैं अपने अपने रिश्तेदारों के लिए ये कैसे प्यारे लोग थे जो लेके आए थे सारा गांव नहीं है लेकिन उसी गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर यह रहम हुआ है खुदा का वो दूसरों की फिक्र करें पहली बात लेकिन ये देखो सवाल ये पैदा होता है कि खुदा गांव से बाहर क्यों ले गया उनके सामने क्यों नहीं मुआवजा किया सबके सामने होना चाहिए था सब देखते सब हैरान होते सबके सब आके सब खुदा मसीह को घेर लेते इतना अच्छा होता मगर वो उनको गांव से बाहर ले गया क्यों देखिए उसकी थूका क्यों ठीक उसकी आंख में थूक दिया पता नहीं क्यों है सवाल तो उठता है आंख में थूका क्यों फिर एक और सवाल है कि उसको फौरन शिफा क्यों नहीं मिली क्या बात है कुछ कमजोरी थी पहली दफा जो खुदा ने हुक्म दिया था उसमें जब उसने उसका इलाज शुरू किया तो पहले तो उसे अच्छी तरह ठीक से दिखाई धुंधला सा दिखाई दिया ठीक से नहीं दिखाई दिया फिर दोबारा कहा उसने तब जाके ठीक हुआ तो दूसरी दफा में ठीक क्यों हुआ वो हु। पहली दफा में क्यों नहीं ठीक हो गया हु। सवाल पूछने तो खुदा नाराज नहीं होता जरूर अगर आप जानना मांगते हैं तब उसे फंसाना मांग रहे हो मुखालफत करने के लिए कर रहे हो तो बात दूसरी है लेकिन अगर आपकी प्यास है आपके अंदर जानने की तो खुदा कभी भी उसको रद्द नहीं करेगा आपकी दुआ को बहुत अच्छा होता सवाल पूछना फिर एक और देखिए बड़ी अजीब बात यह है कि खुदा से कहता कि अब तू ठीक हो गया इस गांव में कदम भी ना रखना अपने घर जा इस गांव में कदम भी मत रखना क्यों क्या बात थी <laughs> सोचने सोचने वाली बात है कि नहीं तो देखते क्या बात है तो अकेला जो उसको लेके गया ये हमारे लिए बड़ा अच्छा सबक है बहुत ज़रूरी सबक है चाहे ईमानदार कितने ही हमें घेर लें कितने ही प्यारे प्यारे लोगों के बीच में हम रहते हों लोग हमारे लिए दुआ करते हों कुछ भी हो लेकिन हम इस बात को कभी ना भूलें कि ज़रूर है कि हम खुदा के साथ तन्हाई में अकेले में वक्त गुजारें अलग ले गया गांव में अच्छे लोग भी थे बुरे लोग भी थे अलग ले गया शागि के ले लिखा के उनसे बातें करता था लेकिन भेद की बातें वो अलहदा उनसे किया करता था और उनसे कहता था जो कुछ तुम कान में सुनते हो इसीलिए दुआ करने के लिए भी कहा है बहुत सारी तरीके दुआ करते हैं हम लोग कुछ ऐसे तरीके दुआ करने के जिसमें दुआ कुछ नहीं होती तमाशेबाजी होती है वो खुदा तो उसको बता दिया कि ये मक्का है सड़कों पे खड़े हो के दुआ करना लोगों को दिखा के बड़ी लंबी दुआ करना तंग आ जाए लोग वो नहीं जब कहा जब तू दुआ करे दुआ करने का क्या तरीका बताए जब तू दुआ करे अपनी कोठरी में जा दरवाजा बंद कर दे तन जरूरी है बड़ा प्यारा सबक है।, है आपके पास वक्त तन्हाई का अकेलेपन में निकाल सकते हैं आप अपनी जिंदगी वरना दिखाई कुछ नहीं देगा <laughs> दिखाई उसे उस वक्त दिया जब उसने कुछ वक्त अकेले में बसर किया उसके साथ और ये बिल्कुल सच है वो जो तन्हाई में उसके साथ वक्त गुजारते हैं उन्हीं को नसीब होती है रिहाई अंधेरे से एक और बात देखिए भूख लगाया आपने देखा ना इसमें खुदा ने कुदरत कुछ ऐसी रखी है हाथ में चोट लगे एकदम मुंह में डालते हैं कि नहीं इसमें कुछ खुदा ने तासीर रखी है यहां सबक यह है कि बहुत सारी चीज़ें खुदा ने ऐसी बनाई है कि उनका इस्तेमाल कर लेने से हम बहुत सारी बीमारियों से शिफा पा सकते हैं शुक्र है डॉक्टर्स के लिए शुक्र है हकीमों के लिए शुक्र है उन लोगों के लिए जो हमको बताते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए हमें अपनी अकल का भी तो इस्तेमाल करना चाहिए खुदा हमारे लिए वो काम करेगा जो हम नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं वो हम वो चाहता कि हम करें तो थूक का इस्तेमाल किया क्योंकि लोग जानते हैं थूक में शिफा की होती है कुछ चीज जल जाए तो ऐसे कर लेते हैं ऐसे लगाते हैं खून रहा हो तो करते हैं नहीं उस बात को खुदा ने जाहिर किया कि जो कुछ मैंने बनाया है उसका भी इस्तेमाल किया करो छोटी सी बात नहीं ये बहुत बड़ी बात है बहुत सारी बीमारियां इसलिए कि हमको मालूम नहीं है कि जो कुछ हम खा रहे हैं उसमें फायदा नहीं है और जो कुछ हम नहीं खा रहे हैं उसके अंदर हमारे लिए शिफा है ये आम फहम की बात है जो खुदा उनको दिखा रहा करके एक दफा और एक जन्म का अंधा था उसका भी जिक्र है वहां भी खुदा उनने ऐसे ही किया था एक और देखिए चीज कि जहां जुदाई जरूर है तो वहां ये देखिए कि खुदाम ने उसको कहा कि तू जाना नहीं वहां वापिस मत जाना क्यों ना जाना अगर आप नौवे बाप में देखें युन्ना की इंजील के एक आदमी बेचारा बीख मांगने वाला ना कभी उसने कोई किताब पढ़ी ना कभी वो हैकल में जा सका जहां इबादत होती थी जाने कौन तक कहते तुझ में तो ला देते शागिर्द भी पूछ रहे थे कौन सा गुनाह किया इसने किया कि इसके बाप दादा ने किया ये तो गुनाहगार है ये तो बदकार है यह नहीं जा सकता है कल में उसे जब खुदम यूसू मसी ने अच्छा कर दिया उसका नाक में थाम कर दिया उन्होंने घेर लिया कैसे अच्छा हुआ तू क्या कहता उस आदमी में पता वो बेचारा क्या कह ना उसने शरीयत की कोई किताब पढ़ी ना धपियो की कोई किताब पढ़ी तुम रात दिन पढ़ते हो तुम फैसला करो उसके पीछे पड़ गए हमें बता किसने अच्छा किया कैसे अच्छा किया क्या करा था तेरे साथ तो उसके माँ बाप को घेर लिया एक मुसीबत पैदा करती बेचारा मैं क्या बताऊं तुम्हें आखिर तंग उसने कहा कि भैया मुझे कुछ नहीं पता मुझे एक बात का जवाब दो क्या खुदा को गुनहकारों की दुआ सुनता है तुम उसे कहते हो कि मैं कहूं गुनाकार है गुनाकारों की खुदा सुनता है तुम कहते हो नहीं सुनता उसकी कैसे सुन ली अब क्या बहस करे उनसे आखिर तंग आके कहती है भैया मुझे कुछ नहीं पता एक बात जानता हूँ इसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है <laughs> कोई नहीं मुकाबला कर सकता इस गवाही का हजारों की तादाद में खुदा ऐसे अंधे खड़े कर रहा है बीमार खड़े करती है मजबूर खड़े करती है वो यही कहते मुझे कुछ नहीं पता भाई मैं कुछ नहीं जानता मैं अंधा था अब देखता हूं बस मुझे बताओ अब क्या करूँ इसको मना किया गांव में मत जाना तेरा नाक में दम कर देंगे वो अब ना कदम रखना उनकी बेईमानी का तेरे ईमान पर असर पड़ेगा तेरा तजुर्बा कमजोर पड़ जाएगा मत जाना वहां घर जा तू घर क्यों जा तो वादे हैं जिन्हें वो शिफा देता है तो उनको ये भी कहा कितने लोगों की इतनी प्यारी गवाही है खुदा बहन अगर आपकी गवाही है भाई अगर आपने कभी ये गवाही दी है मेरी शुक्रगुजारी गुजारी खुदा के हजूर आपके लिए वो कहते जी खुदा ने हमसे ये वादा कर दिया था कि तू और तेरा घराना नजात पाएगा इतनी छोटी छोटी सी बातें करती प्यारी बहनें अरे उनके कदम चूम लूम है प्यारे भाई हैं कहते जी है हमें कुछ पता ज्यादा नहीं पता हमसे बहस मत करो हमारा तो बस बुरा हाल था घर बर्बाद हो रहा था बच्चे बर्बाद हो रहे थे जी तो इतना ही पता जी हम बर्बाद हो रहे थे अब उसने हमें बरकत दे दी और पता क्या नतीजा हुआ उसका पहले तो घर वालों ने मुखालफत की है उनकी मारा पीटा भी है धमकियां दी हैं घर से निकाल भी दिया है। लेकिन फिर यह कहते हैं कि यह नहीं समझ में आता कि इसकी जिंदगी बदल कैसे गई गालियां देता था ये तो हम तो डरते थे इससे ये तो शाम को आता था शराब पी के नजर में लड़ता था मारता था बुरी तरीके से मैं बुजुर्ग बाप इसने मुझ पर हाथ उठाया अब ये पैर पकड़ता है दबाता मेरे पैर मालिश करता ये हुआ क्या इसको और आहिस्ता आहिस्ता एक, एक एक करके सारा घराना बच गया उनका इसलिए कहा गवाही घर से शुरू होती है जा जिम्मेदारी और घरवाई घर से होती है और ये तब्दीली जारी रहती है तू भी बच रहा है तेरा घराना भी बचेगा जा वहां जा घर में जा अपने मोहम्मद जाना मुझे कोई शोहरत की जरूरत नहीं है कि लोग गांव वाले सारे इकट्ठे कह क्या कर दिया कमाल कर दिया जी ये कौन है नहीं ये तो मुझे इसलिए नहीं दुनिया में आया था ना ही वो इस किस्म की जो हल्की फुल्की शोहरत है उसके पीछे था कि लोग मुझे वो तो ये कहता था मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ भाई देखो मेरी तरह बनो तुम भी इंसान हो खुदा का हुक्म मानना शुरू करो तुम्हारे अंदर वो सारी बातें आ जाएंगी जो आदम के अंदर थी जब गुना नहीं किया था उस वक्त वो सब आएंगी मैं उसका एक नमूना हूँ मैंने गुनाह नहीं किया ये देखो वो सारी बातें जो आदम में खुदा ने रखी थी वो मुझ में हैं तुम में भी होंगी जा उसे कहा एक और बात यहाँ पर अजीब चीज है जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि जब खुदा नसु मसीह ने उसे पूछा तो जो कुछ दिखता है तो कहे हाँ दिखता तो है क्या दिखता है कहता कि आदमी है कि पेड़ है ये पेड़ से दिखाई दे रहे हैं।, हैं तो आदमी चलते फिरते पेड़ तो नहीं चलते फिरते आदमी दिखाई देते पेड़ों की तरह अरे खुद ये मोजा मेरी आंख में भी कर दे इस दुनिया पर लानत यह पड़ी है कि हमें आदमी आदमी नहीं नजर आते ये किस किस्म का अंधापन है हम अकल के अंधे हैं जमीर के अंधे हैं हमें इस मोजे की जरूरत है आदमी को देखेंगे अच्छा ये गोरा है ये काला है ये कौन से मुल्क का हमारे मुल्क का तो लगता नहीं है भाई साहब आप हमारी जुबान बोलते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है ना मैक्सिकन भी दूसरी भी बहुत सारे ऐसे लगते हैं जैसे हिंदुस्तानी है मैं धोखा तो हुआ कई दफा मुझे उन्होंने मैक्सिकन समझ लिया फिर मुझे कम फॉर कमी पता नहीं नहीं आती ना वो तो बड़ी प्यारी जुबान है उनकी भी लेकिन एकदम फौरन दीवार खड़ी हो गई तो अच्छा तुम ऐसे कर नहीं हो अच्छा तुम यह नहीं हो जमीनों को तकसीम किया हुआ है और कई दफा बिल्कुल बराबर मैं ये इनका ये इनका कहू भी खाना पीना एक सब कुछ एक है लेकिन नहीं साहब तुम दूसरे मुल्क के तुम हमारे मुल्क के नहीं हो यह क्या चीज है इंसान इंसान नहीं नजर आता कितनी आसानी से मार देते हैं एक दूसरे को हाय 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 अंधापन किस तरह दूर होगा तैयार क्या हजम हो रहे हैं इतना प्यारा मुजदा खुदा नियम उस ने उसकी जिंदगी में किया है अब क्या दिखाई दे रहा है ना आदमी दिखाई दे रहे हैं खास के हमें भी आदमी नजर आने लगे आदमी को आदमी नजर आने लगे अरे पता नहीं क्या बना दिया हमें इन ख्याल ने कितना दूर कर दिया खुदा से कितना दूर कर दिया हम जिन से इंसान से आए मेरे मालिक सुनने वालों पर भी रहम करता रहे मुझ पर भी रहम कर मेरी आंखें खोल दे तुझे तो मैं क्या समझूंगा पहचानूंगा मैं अपने आप को पहचान सकूं अपने भाइयों को पहचान सकूं, हम जिन इंसान को पहचान सकूं, आपको ऐस मोचने की जरूरत खुदा करे ऐसा हो जाए घर में हम एक दूसरे को पहचानने लगे जब किसी को देखें तो देख सकें कि ये इंसान है उसकी कदर करें उससे प्यार करें उसकी सुने उससे सीखें बड़ी दौलत है बड़ा भारी खजाना है इस बयान में कहो खुदा से मेरी आंखें खोल देता कि मुझे इंसान इंसान नजर आए प्यारे भाई और बहनों खुदा के कलाम का ये हिस्सा बहुत ही मुबारक है इसमें बहुत सारे सबक हैं मैंने आपको पढ़ के सुनाया ये अंधा था इसे खुदा बाहर ले गया शहर से क्यों ले गया पहली दफ़ा अच्छा क्यों नहीं हुआ सब लोगों के सामने क्यों नहीं किया ये क्यों कह दिया कि तू शहर में ना जाना फिर कभी मत जाना अपने घर जा ताकि तेरे घर वालों को पहले बरकत मिले गवाही घर से शुरू होती है घर वाले देख के कहेंगे कि ये वो इंसान नहीं रहा सारी दुनिया तारीफ़ करती फिरे तो उससे क्या होता है माँ कहे बाप कहे भाई कहे बीवी कहे कुछ हो गया कुछ हो गया और वो कहे मुझे कुछ नहीं पता मेरी आँखें खोल दीं अब मुझे दिखाई दे रहा आप माँ हो मेरी आप मेरे बाप हो मेरी बीवी हो मेरे बच्चे हैं मैं आपका जिम्मेदार हूँ मैंने गलती की मुझे माफ़ कर दो तो कहेंगे इसे हुआ क्या है वो है गाई सही एक और चीज इसमें है कि एक तदरीज है दर्जा है आस्ता आहिस्ता पहली दफा उसे दिखाई दिया लेकिन वो सब कुछ दिखाई नहीं दिया जो उसे देखना चाहिए था जो खुदावन चाहता था कि उसे नजर आने लगे वो उसे उसी वक्त नहीं नजर आया लेकिन नजर तो आया कई दफा हम सोचते हैं कि एक दफा मीटिंग में चले गए जी किसी की खुदा सबको बरकत दे सबको बरकत दे सबके लिए खुदा का शुक्र हो लेकिन कई दफा वो जो लौट के आते हैं वो सोचते हैं कि भाई एक ही दफा गए थे अरे भाई जाओ फिर जाओ फिर जाओ मत बन करो क्योंकि इस, इसमें तदरीज है दर्जा पहले कुछ तब्दीली होगी एकदम से कुछ लोग एकदम से तब्दील हो जाते हैं कुछ आहिस्ता आहिस्ता होते हैं मैं तो रोज तब्दील हो रहा हूं रोज मेरे अंदर ये काम जारी है अब मैं कहता हूं जारी रहे तेरी शफकत जब तक मैं सांस ले रहा हूं खुदा ये जो तब्दील कर देने वाली ताकत है पाक रूखी ये मुझमें काम करती रहे मुझे और साफ नजर आए आदमी आदमी नजर आए इंसान नजर आए तब मेरी आंखें साफ होंगी धुलेंगी तब मैं अपने खुदा यस्सु को देखूंगा फिर मैं अपने बाप को देखूंगा ये जारी रहना चाहिए एकदम से जल्दी नहीं करनी चाहिए ना अपने लिए ना किसी और के लिए अगर कोई आदमी अभी एकदम से तब्दील नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ ये तो कर ऐसा नहीं आपको क्या पता क्या हो गया मुझे क्या पता क्या हो गया उसकी जिंदगी में मेरा खुदाबंद जानता क्या कर रहा है कितने प्यारे प्यारे सबक है इसको फिर पढ़ना मेरी तो जितना बर्तन छोटा है आपको खुदा ज्यादा देगा भूलना नहीं भूलना नहीं हमारा खुदाबंद हमको प्यार करता दुआ का जवाब देने वाला और हैरत अंगेज काम कर देने वाला जिंदा खुदाबंद यू है आपको प्यार करता